शासन की योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है या नहीं, इसके रियलिटी चेक करने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद मैदान में उतरे। उन्होंने विभिन्न जनमित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार सेवा कार्यों के साथ व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगे हैं। इसी कड़ी में आम जन को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच करने एक बार फिर खुद मैदान में उतरे। मंत्री ने अलग अलग स्थानों के जनमित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, साथ ही इन केंद्रों पर स्थित वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन सेवा का जायजा भी लिया और जनमित्र केंद्र क्रमांक 17 पर अधिकारियों को निर्देशित कर वैक्सीन लगवाना शुरू करवाया। इस दौरान मंत्री तोमर रॉक्सी पुल नाले पर सफाई कर रहे सफाई कर्मचारियों से बात करने पहुंचे। यहां व्याप्त समस्याओं को देख उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करें। कोरोना वायरस महामारी के कारण लोग परेशान हैं, जिनको राशन की पात्रता पर्ची जारी नहीं हो रही है, तो जनमित्र केंद्रों पर जा कर के देख रहा हूँ। आज मैं लक्कड़खाना के जनमित्र केंद्र पर गया, आपका गोरखी जनमित्र केंद्र पर गया, वहाँ पर देखा कि अस्थाई पात्रता पर्ची और स्थाई पात्रता पर्ची जो लोग जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं उनको चलती जारी हों, जिससे लोगों को राशन मिले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन निःशुल्क, 2 महीने का राशन प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क दिया है, उसका लोगों को लाभ मिल सके। शहर में बारिश के कारण जो नाले भरे हुए हैं उन नालों को साफ करा जाए, उसके भी निर्देश दिए हैं। रॉक्सी पुल पे जो रोड पे पानी और चिल्ड जमा हुई थी उसको सफाई का निर्देश दिए गए। तो ये हम सब लोग मिलकर के हर जनमत केंद्र पे जाएं। मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ, क्राइसिस मैनेजमेंट के सभी सदस्यों से, कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उनको बताएं। अगर उन पर कोई कागज़ नहीं है, कागज़ की कमी को पूरा कराएं, वहाँ पे सहयोग करें। कोरोना महामारी के इस काल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार अपने काम और सेवाओं को लेकर चर्चाओं में हैं। वहीं उनके इस काम की सियासी गलियारों में तारीफ भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, ग्वालियर।